अरे विजय मुझे दिखी नहीं है ऐसे कोई। अरे आई थिंक ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि जैसे कि मैंने स्टेज पे भी कहा कि पहली बार एक ऐसे मंच पर अनिल मुझे साथ में अवार्ड मिला है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है एज अ कपल बी गेटिंग एन अवार्ड व्हिच इज रियली रियली स्पेशल टू मी। अक्षिता बूम आई थिंक इट्स वेरी नाइस के यू नो के ऑन एन ओकेजन लाइक दिस जहाँ अवार्ड्स हैं जहाँ जर्नलिस्ट जो हमारी मीडिया है उनकी तरफ से जूरी ने हम दोनों को चूज किया ये अवार्ड देने के लिए तो वाकई में बहुत ही स्पेशल है। एंड जब अनिल और मैं कभी ऐसे हम लोग ने सोचा नहीं था कि एक दिन मंच पर हम दोनों साथ में अवार्ड ले रहे होंगे सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी स्पेशली। लेकिन आज नहीं या बट आई हैव ऑलवेज सपोर्टेड हर शी इज ऑलवेज सपोर्टेड मी एंड आई थिंक दिस इज द वे आवर इंडस्ट्री शुड बी वी शुड ऑलवेज स्टैंड यूनाइटेड। थैंक यू गाइस उनको इंटरव्यू आपके और आपके हबी के बीच में ऐसा कुछ कॉम्पिटिशन होती है कि देखिए हमें लोगों ने बजरंगी भाईजान में प्यार दिया यहाँ पर दिया देन देखिए हम ये अवार्ड ऐसा कुछ कंपटीशन होती है ऐसा कोई कंपटीशन नहीं इनफैक्ट हम बहुत सपोर्टिव हैं कुछ के और मुझे लगता है जब आपके हस्बैंड भी सेम इंडस्ट्री में हो तो आपकी जॉब और इजी हो जाती है क्योंकि वो आपके भी आपके वर्किंग आवर्स को समझ सकते हैं आप क्या गो थ्रू करते हैं एज एन एक्टर आपकी साइकी समझ सकते हैं तो आई थिंक मैं ब्लेस्ड हूं कि वो भी सेम इंडस्ट्री में है एंड इट्स वेरी वेरी सपोर्टिव। क्योंकि आप अपना अपकमिंग जो है बताना नहीं चाहते तो हम ऐसा माने कि कुछ ऐसा रोमांटिक होगा या कुछ एक्शन होगा आप सब कुछ हो सकता है यू नेवर नो सो आई डोंट वांट टू टेल यू यू विल कम टू सुपरस्टार को यहाँ पे बहुत ही प्यार मिला इंडिया पे बट अब चाइना में भी बहुत ही कमाल कर रहे हैं 700 करोड़ पार कर चुकी है तो क्या कहना चाहिए बस मैं फिर वही बात कहूंगी बहुत मैजिकल है ये सब जितना तो एक्सपेक्ट नहीं किया था हम अच्छी फिल्म कर रहे हैं बट इस तरह का रिस्पांस मैं क्या बोलूं मैं बहुत छोटी हूँ बयान करने के लिए कि ये कितना बड़ा कुछ हो गया हमारे आई वुड जस्ट से कि गॉड हैज बीन रियली काइंड एंड आई एम ग्रेटफुल इट हैज बीन थैंक यू गाइस थैंक यू सो मच हाय सर हाय हाउ आर यू गाइस हेलो कैसे हैं बहुत दिन हो गए सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशंस थैंक यू ये लो भाई अवार्ड्स या ऑलवेज नीचे नीचे ले फील्स गुड व्हेनेवर आई विन एनी अवार्ड बिकॉज़ लास्ट ईयर वाज क्वाइट स्पेशल एंड वेरी इंटरेस्टिंग अरुण फिल्म्स आई हैव डन एंड पीपल लाइक माय वर्क दे अप्रिशिएटेड माय एफर्ट एंड नाउ पीपल आर ऑन मी विद अवार्ड्स एज यू सेड इट्स ऑलवेज एन ऑनर मैं तो बहुत अरे क्वेश्चन मतलब अप्रैल से पूरा मेंटल होने वाला हूं और एकदम ही लोग सही पूछ रहे हैं मेंटल है क्या मेंटल है क्या ये चलता रहेगा अभी हैशटैग मेंटल है क्या चलेगा लोगों ने काफी सराहा है जी बहुत अच्छी फीलिंग है बहुत ही कमाल की स्क्रिप्ट है बहुत ही एक क्वर्की डिफरेंट कॉमेडी है और मैं और कंगना इतनी माशाल्लाह साथ में साथ वापस आ रहे हैं क्वीन के बाद एकता के साथ वापस आ रहे हैं अभी लॉट ऑफ फन कंगना के अलावा और कौन से आपके साथ अभी तो कंगना में ही है बाकी आप थोड़ा फिल्म भी देखिए सब वापस आपको आई लव हिम आई लव हिम आई लव अनिल
Anil sir. He inspires me so much with his work, with his energy. And it's always so amazing just to be with him on set. We work together, and we are very good friends. And of course, I adore him and I love him truly. So, अरे यार, I don't keep a count यार. वो आप लोग ही मुझे 2018 में बताएंगे, जैसे 17 में बताया था कि इतनी फिल्म्स आई और एक वेब सीरीज आई, तो देखते हैं 2018 में क्या होता है. But I don't really keep a count. Thank you. I love you. Thank you. अच्छी स्क्रिप्ट्स के साथ बहुत अपने इम्पोर्टेंट बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि ये सब बहुत अच्छी कहानियां हैं और इतनी कमाल की सारी जो ये टैलेंटेड एक्ट्रेस हैं, ऐश्वर्या है, श्रद्धा है, सोनम है, अभी कंगना है, ओमेटा है. सबसे पहले रिलीज तो April 20th, उसका ट्रेलर बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे. तो आई एम वेरी एक्साइटेड, इट सीम्स लाइक एन एक्साइटिंग ईयर अगेन. सो दिस टच वुड. थैंक यू. देश और विदेश की हर तरह की न्यूज को हिंदी में सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल लोकमत न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें.